फाइट के सफलता पूर्वक कौन लेके जाएंगे। दो सबसे टीम सोल की बात करें, वो कैबरी स्पोर्ट के फाइट कर रहे हैं जॉनथन अपने अभी के लिए उस पी स्पोर्ट पे अवतार पे, उनको बस मौका चाहिए था रिवाइवल दे दिया जाए और वो दिखा भी रहे हैं। दूसरे टीम सोल की जो कैमरी स्पोर्ट के ऊपर एक के बाद एक के ऊपर भारी पड़ते नजर आए, जहां पर गॉब्लिन का शायद एक 1v3 भी देखने को मिलता है। फाइट कर रही है, कोशिश की जाएगी वापस इसी फाइट के ऊपर लेके जाने का। तो टीम गॉट लाइक लग तो रहा है कि टीम न्यूमैन के ऊपर पूरी तरह से अब भारी पड़ती नजर आई, उसका मेजर शेयर कह सकते हैं एस पावर की वजह से गया है यहाँ पर। बट जेनेसिस कितना इंतजार कर रहा है, दूसरे से जेनेसिस के ऊपर भी अगर देखा जाए एक और जॉनथन, ये काफी एक क्विक स्कोपिंग हमें देखने को मिलती नजर आई, खिलाड़ी देखने को मिलते नजर आते। बट ये फाइट क्या उनकी तरफ जाएगी, लेकिन ये फाइट जो न्यूमन के पास जानी चाहिए थी वो के पास चली गई। कमाल का बैटल देखने को मिला, ये दो खिलाड़ी सब पे भारी होते हुए, क्योंकि जब वहाँ पे एस पावर मुसीबत में थे जॉनथन आए, जब जॉनथन मुसीबत में थे तो एस पावर आए, ये डुओ काफी ज्यादा डेडली साबित हो रहा है अपोनेंट्स के लिए। लेकिन अब गुजरात टाइगर यहाँ पे अपने आप को संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम है इन दोनों प्लेयर के बीच में, अलग अलग डायरेक्शन पे जा चुके हैं। डीपीएस का प्रयोग करना इन दोनों खिलाड़ी को बेहतरीन तरीके से आता है, लेकिन सामने भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हमें देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स खिलाड़ी उन्हें पता है कि जल्दबाजी यहाँ पे करने की जरूरत रहेगी नहीं, और डोमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जॉनथन की तरफ से, क्योंकि अभी अभी एक क्लच दिखाया गया। मतलब आप देखिए कि बैक टू बैक क्लचेस हम देख रहे हैं, अभी उधर हमने गॉब्लिन को ये चीजें करते हुए देखा, फिर एस पावर यहाँ पे आगे संभाले, फिर जॉनथन यहाँ पे अभी ये चीजें करके दिखा रहे, तो बहुत ज्यादा कमाल का एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पे सारे खिलाड़ी, कोई भी यहाँ पे हार नहीं माना चाहते। लेकिन फाइनली जॉनथन की बात करते हैं, यहाँ पे स्पॉट किए नॉकआउट करेंगे अब प्रेशर में गुजरात टाइगर, तीन खिलाड़ी यहाँ पे आए थे, अब बचे हैं तो टू सिचुएशन में यहाँ पे फंस चुके हैं, एक और खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन कर सकते थे, लेकिन डाउन कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे प्रिंस के तरफ से, जिस बात का जिक्र था कि प्रिंस भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, अगर आप इनके सामने आएंगे तो थोड़ा ध्यान से रखने की जरूरत है, लेकिन पावर को तो रोकना असंभव सा हो चुका है। एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे, आखिरकार वो ग्रेनेड आ जाएगा।